नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस मचा रहा कोहराम, कोरोना संक्रमितों की संख्या 25 लाख के करीब, तो 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना की मार से तिलमिलाया अमेरिका। भारत में भी बढ़ रहा कोरोना का कहर, संक्रमित मरीजों की संख्या 18,000 के पार, अब तक 590 लोगों की गई जान, तो 3,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। सिविल सर्विस डे पर पीएम मोदी ने अफसरों को दी बधाई, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दी शुभकामनाएं, कहा कोरोना की लड़ाई में सिविल सेवकों का कार्य बेहद प्रशंसनीय। राजस्थान में रोका गया कोरोना का एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट, जांच में फेल साबित हुआ था रैपिड किट। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा हमारी तरफ से कोई प्रक्रियागत चूक नहीं, आईसीएमआर को दी गई सूचना। कोरोना संक्रमण पर राजस्थान में भी नहीं लग रहा ब्रेक, लगातार पॉजिटिव केस आ रहे सामने, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1600 के पार, तो अब तक कोरोना से 25 लोगों की गई जान।